बाबर आजम जी। तो बाबर आजम माशाल्लाह हर प्लेयर्स का जो है वो एक ख्वाब है, और बाबर आजम हर जबान पर है, और बाबर आजम को क्राउड देखने के लिए स्टेडियम में आती है। अब कल का मैच आप देख लें कि बाबर आजम जनाब जब आउट हुआ तो उसके बाद क्राउड ने जाना शुरू कर दिया, और फिर स्टैलियंस का हाल भी आप देख लें कि बाबर आजम के आउट होने के बाद पूरी टीम 105 पर आउट हो गई और 23.4 ओवर में तमाम टीम आउट हो गई। तो मेरी PCB से गुजारिश थी कि नेक्स्ट अगर कोई टूर्नामेंट इस तरह का करवाएँ तो बाबर आजम को भी एक टीम का कप्तान बनाना चाहिए। अगर वो खुद नहीं बनना चाहते तो आप उनको कहें कि आप बने एक टीम के कैप्टन, क्योंकि जिस तरह आपने रजवान को बनाया, शाहीन आफरीदी को बनाया, उसके बाद आपने सऊद शकील को बनाया, और हारिस का कोई कैरियर ही नहीं है। अब देखें कल उसको कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए थी, लेकिन उसने भी मुंह उठाया, शॉट मारी, बोल्ड हुआ और चला गया। अगर ज़ाहत का बॉल अच्छा पड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसको हर बॉल पे आप हिट करें, आप वो 6 बॉल निकाल के नेक्स्ट ओवर में आप रन्स करने की कोशिश करें। तो इसलिए बाबर आजम को हमें चाहिए सपोर्ट करना। और नेक्स्ट एक मेरी PCB को सजेशन है कि जो भी आप कैप्टन बनाए, कैप्टनों की टीम ना बनाए, जो भी कैप्टन बनाए उसको कहें ये वर्ल्ड कप तक कप्तान है, और वर्ल्ड कप तक ये अपनी टीम तैयार करेगा, फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या होगा। बाबर आजम एज ए प्लेयर अच्छा है, कैप्टन भी अच्छा है, लेकिन टीम के बाकी लड़के उसको सपोर्ट करते, इसलिए बाबर आजम को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट अगर इस तरह का कोई टूर्नामेंट हो उसमें उसको कप्तानी आप ज़रूर दें, क्योंकि वो हमारा स्टार है, लेजेंड है, हर टीम के खिलाफ उसने रन्स किए, हर बॉलर के खिलाफ वो अच्छा खेला है, और अभी भी क्राउड की जो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है वो बाबर आजम की इनिंग देखने की, बाबर आजम को मिलने की। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि मैं PCB वालों को आप सबका ये भी पैगाम भेज रहा हूं कि बाबर आजम को आइंदा आप कप्तान ज़रूर बनाएं किसी ना किसी टीम का, क्योंकि हम उसको एज ए कैप्टन जो है वो एक टीम का देखना चाहते हैं, क्योंकि वो फ़ख्र है पाकिस्तान का और इंशाल्लाह फ़ख्र रहेगा। तो इसलिए बाबर आजम 1-on-1 क्राउड पुलर, क्राउड लाइक।